नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका प्यार से चैनल टेक बाय एसपी में। दोस्तों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश संविदा कर्मियों के लिए। आज की बहुत बड़ी अपडेट अभी अभी निकल के सामने आ चुकी है आप लोगों के नियमितीकरण को लेकर के। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों से जितनी भी अपडेट आएंगी सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, लंबे समय से उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मी नियमितीकरण का इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज बहुत बड़ा फैसला ले लिया आप सभी संविदा कर्मियों के हित में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 6 तारीख से जो है आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है, तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी आप सभी संविदा कर्मियों का परमानेंट लेटर जारी कर दिया। आप लोग मेरे थंबल पे भी देख रहे हैं, योगी जी के हाथों परमानेंट लेटर जारी। जी हाँ प्यारे साथियों, आज अभी योगी जी ने खुलासा कर दिया है कि यूपी के 10 लाख संविदा कर्मियों का नियमितीकरण प्रक्रिया इसी जुलाई महीने में कंप्लीट करा ली जाएगी। जैसा कि मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा तभी आप लोगों को यकीन होगा, तो बने रहिए वीडियो में, कहीं जाइएगा मत प्यारे साथियों। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश वेतन संहिता 2018 की संस्तुतियों में क्रम में यह शासन देश की जारी किया गया है कि इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि सेनावृत्त ग्रेचुटी और मृत ग्रेचुटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होगी। महंगाई भत्ता वेतन का 50% हो जाने पर ग्रेचुटी की सीमा 25% बढ़ गई है। शासन देश के मुताबिक 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 50% कर दी गई है। इस जिससे पश्चात 23 दिसंबर 2016 को जारी शासन देश की व्यवस्था के मुताबिक सेवावृत्त सरकारी कर्मचारी को दी जाने वाली ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 1 जनवरी 2024 से ही 25 लाख रुपए होगी। आगे आप देखेंगे प्यारे साथियों, आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में 16 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, यानी 16 लाख संविदा कर्मचारियों को जो है इसका फायदा मिलेगा। प्यारे साथियों, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितने भी संविदा कर्मी हैं यहाँ पर लिखा है कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसका जानकारी 2 जुलाई मंगलवार को वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार की तरफ से दी गई थी, उन्होंने आवश्यक शासन देश जारी किया था। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जितने भी संविदा कर्मी भाई हैं धैर्य बना करके रहेंगे, जुलाई के महीने में आप सभी का नियमितीकरण प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करा देंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपने तरफ से पूरा तैयार रहेंगे। रही बात सैलरी की, तो सैलरी पर मैंने वीडियो बनाया था प्यारे साथियों, आप लोगों की जो सैलरी होगी वो 2500 पे ग्रेड से लेकर के 2800 पे ग्रेड की सैलरी होगी। तो आपकी जो सैलरी जाएगी मिनिमम सैलरी जाएगी 35100 रुपये से लेकर के मैक्सिमम सैलरी जो आएगी आपकी 65000 या 65000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।